हाय नहीं श्रृंखला ग्रह नक्षत्र और हम में आपका स्वागत है। पंडित जी से हमने पिछली बार जाना चार नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्रों की। जैसा कि पंडित जी ने हमें पिछली बार बताया कि छह मूल नक्षत्र होते हैं और उनमें से चार नक्षत्रों के बारे में हम अभी तक जान चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप लोगों को इन चार नक्षत्रों के बारे में हमारे पंडित जी ने जानकारी दी वो पसंद आई होगी। आगे के जो दो मूल नक्षत्र बचे हैं उनके बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे। आइए जुड़ते हैं पंडित गिरिराज शास्त्री जी से। पंडित जी आपका स्वागत है। हरिओम नमस्कार। पंडित जी हमारे जो बाकी के दो मूल नक्षत्र हैं उनके बारे में प्लीज बताइएगा। अभी आप सब लोगों ने जाना अश्विनी अश्लेषा मघा ज्येष्ठा, इन चार नक्षत्रों के बारे में हमने आपको पहले बताया है। अभी बताने जा रहे हैं मूल और रेवती। ये छह नक्षत्र टोटल हैं। तो मूल नक्षत्र का जो पहला चरण अगर इसमें बालक पैदा होता है तो पिता के लिए हानिकारक है। अच्छा, मूल नक्षत्र का पहला चरण पिता के लिए हानिकारक है। दूसरे चरण में अगर बालक पैदा हुआ है तो माँ के लिए हानिकारक है। तीसरे चरण में अगर बालक पैदा हुआ है तो धन के लिए हानिकारक है। चौथे चरण में सुखदायक है। मूल नक्षत्र के पहले तीन चरण अशुभ हैं, चौथा चरण शुभ है। ये आप बात कर रहे हैं जिस जो नक्षत्र भी मूल है और जिसका नाम भी मूल। हाँ, अच्छा, नाम भी मूल है भी और नक्षत्र भी मूल है। ये धनु राशि में आता है। धनु राशि में आता है। उसके बाद लास्ट नक्षत्र आता है रेवती। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है जिसका पहला चरण लाभदायक है, दूसरा चरण लाभदायक है, अच्छा, तीसरा चरण भी लाभदायक है, चौथा चरण कष्ट सूचक है। मात्र आखिरी चरण यानी लास्ट चरण चौथा चरण मात्र खराब है वो भी रेवती सबसे का। हाँ, रेवती नक्षत्र का। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते हैं छह नक्षत्र अश्विनी अश्लेषा मघा ज्येष्ठा मूल रेवती। इन छह नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को हम कहते हैं कि मूल में जन्म लिया है कि मूल में पैदा हुआ है तो उसकी शांति आवश्यक है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ होगी या आपके लिए अशुभ है, क्योंकि जिन बालकों के छह नक्षत्र होते हैं मूल में जो पैदा होते हैं बहुत उन्नति करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि प्रकृति में जब भी कुछ ऐसे योग बनते हैं, संयोग बनते हैं कि जो अगर कुछ चीजें उनमें अशुभ हैं तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं। पहला नक्षत्र अपना अश्विनी है और आखिरी नक्षत्र रेवती है और दोनों ही मूल में आते हैं। पहला नक्षत्र मेष राशि के साथ आता है और आखिरी नक्षत्र मीन राशि के साथ आता है। अश्विनी से ही 27 नक्षत्रों की गिनती शुरू होती है और रेवती पे पूरी होती है और दोनों ही गंड मूल में आते हैं। तो नक्षत्र आपका कोई भी हो सारे नक्षत्र अच्छे हैं, इसमें कोई घबराने की या टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ विधान होता है कि छह नक्षत्र में अगर बालक ने जन्म लिया है तो कुछ कुछ अशुभ हो सकता है, क्योंकि जब आपके साथ में बहुत सारे मूल का मतलब ये जड़ यानी कि किसी पक्ष की जो जड़ है, तो यानी कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत लकी होते हैं। जब भी हम कोई अच्छी चीज लेके आते हैं, जब भी कोई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी विकसित होती है उसके साथ कुछ ना कुछ तो नेगेटिव थिंग्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि छह नक्षत्रों के साथ आपका बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा भविष्य है, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी ही, स्वाभाविक है। जब इतनी खूबियां हैं तो उन कमियों का समाधान करने के लिए हमको ये शांति करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिल करके और आपसे इस बारे में जान करके। दोस्तों हमारा मकसद जैसे हमने आपको पिछली बार बताया कि आपको जानकारी देना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भय हो रहा हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि छह नक्षत्र जो मूल के हैं वो जो शांति करानी होती है वो एक अलग चीज है, बट पर्सनैलिटी वाइज इस नक्षत्र में जन्म हुए जातक बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं और बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों हम आगे आपसे फिर जुड़ेंगे पंडित जी से और भी दूसरे बड़े विषयों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ में और हमारे इस कार्यक्रम के साथ में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और हम। पंडित जी के लिए हम तब तक पंडित जी आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतनी मूल्यवान जानकारी दी और आपका समय दिया, और हम आपसे फिर जुड़ेंगे पंडित जी। और आज के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।